मां ये देखिए उनके पद चिन्ह। और ये पंख कहां से आया, किसके हैं ये? नारायण माँ लक्ष्मी के। दीदी प्रभु नारायण और माँ लक्ष्मी के। ये आप क्या कह रही है दीदी, और आपकी ये दशा कैसे हुई? अब हमारा भी कल्याण कर दीजिए माँ, अपराध क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए भगवती। क्षमा कर देना माता। ये बच्चे प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी के, और ये पंख उनका जो शिष्य था वो उनका कोई सेवक था। आपके पटर पटर करने से थोड़ी हर चीज सत्य हो जाएगी, और आपके पुत्र को गए इतने बरस हो गए हैं, अब तक तो अपने घर का मार्ग भी भूल गया होगा आपका राजकुमार। सत्य तो ये है कि जब भी हम कुछ दुर्वचन कहते थे तो हमें उन स्त्री में दिव्यता दिखती थी। हम सत्य पहचान ही नहीं पाए। इसका अर्थ यह है कि स्वयं स्वयं भगवान हमारे कल्याण के लिए आए थे यहां। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी मेरे समक्ष। उस दिन जो हमें आभास हुआ था वो सत्य था, कोई स्वप्न नहीं। भगवान हमें तो बहुत आरंभ में ही उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप का आभास दे दिया था, और हम ठहरे निर्बुद्धि, उन्हें पहचान ही नहीं पाए। तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात कि साक्षात स्वामी नारायण और माता लक्ष्मी हमारे घर पधारे, उन्होंने हमें कथा सुनाई, हमारे हाथों से बना भोजन खाया, माता ने स्वयं अपने हाथों से बना प्रसाद हमें खिलाया, हमारे साथ रहे, यह हमारा सौभाग्य है, हम धन्य हो गए। छोटे भाभी सत्य तो यह है कि हम कभी नहीं चाहते थे कि आपका पुत्र घर वापस आए, संपत्ति के लोभ में अंधे हो गए थे, पर अब
हमें हमारी भूल का आभास है। बहुत लज्जित है हम। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। दीदी, आप तो हमारा परिवार है और अब हमारे मन में कोई मैल नहीं। जब स्वयं स्वामी नारायण और माता लक्ष्मी ने आपको क्षमा कर दिया नारायण की जय। माँ भगवती विंध्यवासिनी की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। माँ भगवती विंध्यवासिनी की जय। प्रभु माँ प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो गरुड़, तुमने अपनी भक्ति से वो शक्ति अर्जित कर ली है जिससे तुम अब अपने जन्म का उद्देश्य पूरा कर पाओगे। हाँ भैया, परंतु ये माँ की कृपा प्रभु की दया के बिना संभव ही नहीं था। माँ आदि शक्ति के प्रताप से शास्त्री परिवार के साथ साथ अब मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अब अपनी माँ को सबसे बड़ी प्रसन्नता दे पाऊंगा मैं। अपना सबसे बड़ा स्वप्न अब पूरा कर पाऊंगा। कितना अद्भुत होगा वो क्षण जब प्रभु मुझे अपना वाहन बनने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो बहुत समय हो गया, बस अब प्रभु शीघ्र ही आदेश दे ताकि मैं उन्हें संसार के भ्रमण पर ले जा पाऊं। मैं तुम्हारी आतुरता समझ सकती हूँ गरुड़। मैं भी उत्सुक हूँ तुम्हें प्रभु का वाहन बनते देखने के लिए। कुछ देर की प्रतीक्षा और सही, बाद वो क्षण शीघ्र आ जाए जब मैं प्रभु को उनकी पहली यात्रा पर ले जाऊं। प्रभु उठ गए। अब प्रभु अधिक प्रतीक्षा करना ठीक नहीं होगा, शीघ्र ही तैयार हो जाता हूं ताकि उनका अधिक समय व्यर्थ ना हो। प्रणाम प्रभु। देवगण, आप सब यहाँ? आपके दर्शनों की कामना थी प्रभु, और कुछ संसार के विषयों पर आपसे चर्चा करनी थी। बताइए। जिस क्षण की प्रतीक्षा मुझे इतने लंबे समय से है, जिसका स्वप्न देखते देखते मेरी माँ ने पलके तक झपकाना छोड़ दिया है, अब वो क्षण आ ही रहा है। हे प्रभु, कब पूरी होगी मेरी कामना? कब सत्य होगा मेरी माँ का स्वप्न? पुत्र, तुम अपनी पीड़ा को विनता से नहीं छिपा पाते हो, तुम मुझसे क्या छिपाओगे? मां,
प्रभु का सेवक होने के पश्चात भी प्रभु की सेवा कर ही नहीं पा रहा हूं, और इससे जो पीड़ा मुझे हो रही है उसे मुकर होकर व्यक्त भी नहीं कर पा रहा हूं। मां, जब तक मैं प्रभु का वाहन नहीं बन जाता मेरा जीवन व्यर्थ ही रहेगा। अपने उद्देश्य में असफल होने का दंच मेरे हृदय में हर पल चुभता रहेगा। मां, पुत्र, तुम्हारी स्वामी भक्ति में कोई संदेह नहीं है। सत्य कहे तो तुम्हारे जैसे भक्तों की एकनिष्ठ आराधना से ही भगवान को शक्ति मिलती है और वो भगवान बनते हैं। पुत्र, तुम्हें धैर्य रखना होगा, सही समय आने से पहले कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं मां, परंतु जब तक सही समय नहीं आ जाता मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? चलो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। जब तक तुम प्रभु के वाहन नहीं बन पाते, क्यों ना प्रभु के बारे में और बातें जान लो। मां, ये तो बहुत ही उत्तम सुझाव है। प्रभु के बारे में जानने से अधिक उत्तम और क्या हो सकता है? आप बताइए मुझे प्रभु के बारे में। तो क्या तुम्हें ये पता है, नारायण संसार के पालनहार होने के साथ साथ क्रमिक विकास के कर्ता भी है। वो कैसे मां? इस ब्रह्मांड में पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर मां शिव उत्पन्न हुए। वो अपने आप में संपूर्ण थे पर स्थिर थे। उनकी ऊर्जा से बनी आदि शक्ति, फिर इन दोनों के योग से नारायण की उत्पत्ति हुई, और फिर नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मदेव। उस समय संसार में केवल जल था। फिर नारायण ने असुर मधु कैटप का वध करके उनके महावृद्धाकार तन के अवशेषों से पृथ्वी का निर्माण किया, जैसे कि तुम्हें कद्रू ने बताया था। विकास यात्रा के क्रम में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल से हुई थी। प्रलय काल के समय तुम्हारे प्रभु ने मत्स्य अवतार लेकर महाराज सत्यव्रत से नौका का निर्माण करवाया था, और सभी प्रजातियों के जीव जंतुओं, कीटों, पक्षियों आदि को उस पर स्थान देने का आदेश दिया था, और फिर स्वयं मत्स्य रूप में उस नौके की रज्जू खींचकर उन सबकी रक्षा की थी। उसके बाद देवों और असुरों में संग्राम छिड़ गया, दिव्य शक्तियों में भीषण युद्ध होने लगा। इस काल में समुद्र मंथन को संभव बनाने के लिए उन्होंने दूसरा अवतार अर्थात कूर्म अवतार लेते हुए तुमने स्वयं देखा। जल पर विचरण करने वाली मछली के बाद आया था जल और थल दोनों पर धीमी गति से विचरण करने वाला कछुआ। मां, जीवन की विकास यात्रा के इस क्रम में इन दोनों के बाद प्रभु का अगला अवतार कौन सा हुआ था? अवतारों का प्रकट होना इतना सहज नहीं होता पुत्र। किसी भी अवतार के उत्पन्न होने से पहले उसकी आवश्यकता का जन्म होता है। उचित कारण और योग्य परिस्थिति उत्पन्न हुए बिना कोई भी अवतार संभव नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु विष्णु के अगले अवतार के लिए आवश्यक परिस्थिति निर्माण करने के लिए संकादिक ऋषि वैकुंठ आए। द्वार खोलो, द्वार पालो, हमें अपने प्रभु के दर्शन करने हैं। वाह बच्चा, बड़े अधिकार से कह रहे हो। हाँ, कौन हो तुम लोग? हम ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं और श्री नारायण के भक्त। हमें सनकादि के नाम से जाना जाता है।
तुम्हारा नाम कुछ भी क्यों ना हो, इस समय श्री हरि और मां लक्ष्मी विश्राम कर रही हैं। दर्शन करने हैं तो फिर कभी आना। अब जाओ यहाँ से। भगवान और भक्त में समय और असमय का भेद नहीं होता द्वारपालो। भगवान तो स्वयं अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ओ, तब क्यों ना आज भक्ति भगवान की प्रतीक्षा कर लें? हाँ? बस अब बहुत हो गया, हमें श्री हरि के दर्शन इसी समय करने हैं। बाल हट मत करो, तुम बालक ब्रह्मचारी हो। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कुछ मिठाइयां दे सकते हैं। तुम हमारे साथ छोटे वाला की तरह व्यवहार करना बंद करो। बस अब बहुत हो गया, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी पर तुमने हमारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। हमारे निवेदन का आदर करने के स्थान पर तुमने हमें श्रीहरि के दर्शन तक करने नहीं दिए। भगवान और भक्त के बीच अवरोध करने का दुस्साहस किया है तुम दोनों ने। अब इस पाप की सजा अवश्य भुगतोगे तुम, और अब यही पीड़ा तुम्हें भी सहनी होगी। तुम दोनों को अहंकार ने जकड़ कर रख दिया है। तुम दोनों वैकुंठ में वास करने के योग्य नहीं हो। अब तुम दोनों को मृत्यु लोक जाना होगा। नाम रिचिवा, प्रभु मां आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु इन ऋषियों के श्राप से हमें मुक्ति दिलाइए। हम इतना बड़ा श्राप सह नहीं पाएंगे प्रभु। पर ऋषियों की वाणी को असत्य मैं भी नहीं कर सकता जय विजय। पर यदि इन्होंने आपको दंड दिया तो उसे तो भोगना ही होगा। पर प्रभु हमने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। जय विजय, ये सत्य है कि तुम दोनों द्वारपाल हो। प्रवेश की मर्यादा बनाए रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है, पर तुम दोनों को इस बात का आकलन भी करना आवश्यक है कि द्वार पर किनका आगमन हुआ है। अपने भक्तों से मिलने के लिए स्वयं भगवान भी दौड़े चले जाते हैं, और आप दोनों ने उनके भक्तों को ही द्वार पर रोक दिया। तपस्वियों का अनादर करना एक अपराध है जय विजय, और अपराध किया है तो इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। आप सत्य कह रही है मां, अपराध तो हमने किया। हमें क्षमा कर दीजिए मां, हमें क्षमा कर दीजिए। हम इतना बड़ा दुख कैसे सहन कर पाएंगे प्रभु? आप तो दीन दयाल है प्रभु, दुखियों का कष्ट हरने वाले हैं प्रभु। हमारे उद्धार का कोई तो उपाय बताइए। ये कैसी विडंबना है प्रभु, एक ओर भक्तों की करुणा है और दूसरी ओर ऋषियों का मान है। क्या निवारण निकालेंगे आप इस समस्या का?